आज साडे बहुत ही सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी मुख ग्रंथी सचखंड श्री दरबार साहब जेडे लंबा अरसा इस स्थान दियां बतौर ग्रंथी के तौर पर बतौर एडिशनल मुख ग्रंथी के मुख ग्रंथी के तौर पर सेवा निभा के अज अपनी मर्जी से स्वै इच्छा अनुसार क्योंकि एक्सटेंशन ते चल रहे सके ते उन्होंने आप कहा भी मैं हुण सेवा मुक्त हो जाना। सो पंथ दे विच एक बड़े लंबे अरसे तो भुलेखे पाई जांदे आ, कई बारी मैं मन भी मानदा भी इस गल नूं पे कई बारी कि सातों कोई कताइयां हो भी जांदियां होणगियां, पर एक अक्सर हुंदा भई जी सिंह साहब नूं लियाउंदे किदां तां छड्डदे किदां। असीं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों यतन किया कि सिंह साहिबान जिले अपन सेवावान संपूर्ण करके जाते उन्होंने आदब के सत्कार के नाल उस ढंग ना तोरिया जाए जिस ढंग के नाल उन्होंने सेवा सौंपी जाती है। पहला सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी भी इदा बड़ा समागम होया सी ते अज यह सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी लुधियाने वाले वो आज सेवा मुक्त होए उन्होंने भी आदब ते सत्कार दिता गया। सो गुरु साहब कृपा कर ये स्थान सचखंड श्री दरबार साहब की सेवा गुरु पातशाह की कृपा से बख्शिश द्वारा ही मिलती है ते गुरु साहब फिर वो सेवा त्रुट करके लैके फिर अपने सेवा मुक्त का समा भी नियत होंदा। सो गुरु साहब कृपा कर बहुत बाखूबी वधिया सेवावान निष्काम तौर पर पार्टीबाजी सारिया कार्यों तो उपर उठ के सेवावान तन मन के नाल निभा के गए आ। सो गुरु चरणा में अरदास भी आ सतगुरु जी इत्थे जेड़े भी सिंह साहिबान सेवा करते उन्होंने हिरदियां में तुसीं आप बसते हैं। सो ये गुरु साहब की कृपा से बख्श सदका अज उन्होंने वधाई दी गई है।